हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर पुलिस आपके साथ बेवजह मारपीट करता है या परेशान करता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास कौन कौन सा कानूनी अधिकार है। पुलिस का ड्यूटी आम व्यक्ति का रक्षा करने के लिए होता है, न कि बेवजह मारपीट करने के लिए और गाली गलौज करने के लिए। यदि पुलिस कोई आरोपी को गिरफ्तार करने गया है और वो आरोपी यदि पुलिस का गिरफ्तारी का विरोध करता है तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस उस व्यक्ति पर रीजनेबल फोर्स का उपयोग कर सकता है, यानी कि जितना बल का उपयोग करना जरूरी है उतना ही बल का उपयोग कर सकता है। लेकिन यदि पुलिस गश्ती के दौरान कोई व्यक्ति से बेवजह उलझ जाता है और गाली गलौज करता है या मारपीट करता है तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया जा सकता है। यदि पुलिस अधिकारी अपना ड्यूटी कर रहा है, ऐसे परिस्थिति में यदि आप उससे उलझते हैं या फिर उसका कोई कार्य में बाधा डालते हैं तो ऐसी परिस्थिति में IPC का सेक्शन 186, 332, इसके साथ और भी कई सेक्शन लगाया जा सकता है। जब भी पुलिस कोई व्यक्ति के साथ मारपीट करता है और यदि आप वहां पे उपस्थित है तो उसका वीडियोग्राफ अवश्य कर लें, ताकि ये जो है एक प्रॉपर एविडेंस हो जाए कि पुलिस ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट किया है। कभी कभी पुलिस जो है बेवजह किसी के साथ गाली गलौज भी कर लेता है और मारपीट भी करता है और बाद में पुलिस ही मुकर जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो इसलिए इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि आपके पास मोबाइल है और आपके पास ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% एक एंड्रॉयड मोबाइल होगा, तो आप उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड जरूर कर लें। साथ ही साथ जो व्यक्ति पीटा गया है पुलिस के द्वारा उसके हवाले वो वीडियो को कर दें, ताकि वो समय आने पर वो वीडियो को एज एविडेंस कोर्ट में पेश कर सके। जब भी कोई व्यक्ति के साथ पुलिस मारपीट करता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके MLC बनवाना चाहिए, यानी कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट तैयार करवाना चाहिए। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट तैयार करवाने के बाद उसे कोर्ट का कोई सीनियर एडवोकेट को हायर करके कोर्ट में उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करना चाहिए। यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करने से पहले ये चीज़ को वेरीफाई करना होगा कि वो पुलिस किस थाना क्षेत्र से था और उस पुलिस अधिकारी का क्या नाम था। यदि आपको नाम नहीं भी पता हो तो कम से कम थाना क्षेत्र पता होना जरूरी है। यदि आप कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं तो कोर्ट में केस फाइल करने के बाद कोर्ट से जो है सर्टिफाइड कॉपी उस केस का निकाल लें। सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद आप उस इलाके के SP के कार्यालय में उसे बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या बाय ईमेल भी भेज सकते हैं। उसके बाद जो है उस कॉपी को PCA के पास भी भेजें। PCA का मतलब होता है पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। PCA के पास भी आप पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि PCA का कार्यालय में आपको स्वयं उपस्थित होकर ही कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी आपको देना है, आप पोस्ट ऑफिस से या बाय ईमेल भी भेज सकते हैं। आपको बता दें, यदि पुलिस कोई व्यक्ति को बेरहमी से मारपीट करता है और जो व्यक्ति को मारपीट किया जा रहा है यदि उसके पास प्रॉपर एविडेंस है, उसको ये लग रहा है कि उसके साथ जो मारपीट किया जा रहा है और वहाँ पे जितने भी दर्शक हैं यानी कि जो भी देखने वाला व्यक्ति है वो यदि कोर्ट में गवाही दे सकता है उस पुलिस के अगेंस्ट में कि पुलिस वाले ने बेवजह मारपीट किया है या गाली गलौज किया है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि पुलिस वाला मारपीट कर रहा है बेरहमी से तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से 4 कंडीशन बताने जा रहा हूँ। यदि ये चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लागू हो रहा है तो ऐसे भी परिस्थिति में आप पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, यानी कि आप पुलिस का भी पिटाई कर सकते हैं। यानी कि यदि पुलिस अधिकारी इस टाइप से मारपीट कर रहा है जिसमें जो है उस व्यक्ति का जान जा सकता है या फिर शरीर का कोई अंग टूट गया है या फिर नपुंसक हो सकता है या फिर बोलने का क्षमता खत्म हो सकता है या सुनने का क्षमता खत्म हो सकता है, यदि पुलिस अधिकारी इस टाइप से मारपीट कर रहा है या इस टाइप से बिहेव कर रहा है तो जो व्यक्ति को मारा जा रहा है उसको भी ये अधिकार है कि उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर सके और अपना जान को बचा सके। IPC का सेक्शन 96 से 100 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जब भी आप पुलिस अधिकारी पे मारपीट का आरोप लगाएंगे और कोर्ट में कंप्लेन दर्ज करेंगे, केस फाइल करेंगे, और यदि पुलिस अधिकारी आपको मारा था और आप भी यदि उल्टा के पुलिस अधिकारी को मारे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप भी अपना सेल्फ डिफेंस का हवाला देंगे और वो पुलिस अधिकारी भी अपना सेल्फ डिफेंस का हवाला देगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि पुलिस आपके साथ मारपीट करता है और उल्टा के आप भी यदि मारपीट कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको कोर्ट से उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करेंगे तो उस पुलिस अधिकारी का नौकरी भी जाएगा और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यदि आप पहला वाला प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि पुलिस अधिकारी के कंप्लेन आप पुलिस थाना में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम डिपार्टमेंट होने के कारण आपको यहाँ पर ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए पुलिस का कंप्लेन हमेशा आपको कोर्ट से ही करना चाहिए। हालांकि यदि पुलिस अधिकारी का कंप्लेन पुलिस थाना में ही करते हैं और जो वहाँ पे जांच आयोग बनाया जाता है यानी केस आयोग जो बनता है यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको बनाया जाता है, वो यदि आपके केस में सही से जांच नहीं कर रहा है तो इस टॉपिक पर भी मैं पहले वीडियो बना दिया है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी आपका केस में सही से जांच नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास कौन कौन सा कानूनी अधिकार है।